एक्चुअली वी और हैव ये बिल्ड कम्युनिटी ऐसा है कि आप एक दूसरे को प्रमोट करोगे तो ही मतलब इंटरेक्शन इज वेरी नेसेसरी इस डेफिनेट प्लेटफॉर्म डेफिनेट पे, कि आप डेफिनेट अप्रिशिएट करो कि सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा है एंड हाँ वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट कर। आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन दैट व्हाट एवर यू डू डू विथ ग्रेट ऑनेस्टी। मतलब उसके पीछे आप अपना पूरा हार्डवर्क करो, बिकॉज प्रशांत परफेक्ट। हाय निधि, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट निधि, आई एम ग्रेट। तो पता है अभी ना, मैं जब जैसे ही लाइव आया, मैं जितने भी लोग लाइव थे, मैं सबको बता रहा था कि यू नो देयर इज समवन कमिंग लाइव विद मी, निधि इज द पर्सन एंड शुड बी कमिंग फ्रॉम हुक्स डॉट नीडल्स, दैट्स हर हैंडल। एंड आज ना मैंने मतलब कि मैं जब भी किसी के साथ लाइव जाता हूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोफाइल में जाकर चेक करता हूँ उस इंसान के बारे में। तो आपका एक आज का एक लेटेस्ट पोस्ट था और उसमें एक बहुत प्यारा सा कैप्शन था, एंड दैट वाज लाइक यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ यू नो स्मॉल टोकन ऑफ लव इज लव। इनफ समथिंग। वो क्या एग्जैक्टली वो टोकन क्या था, आप एक बार बता सो सकती हैं वो? एक्चुअली स्मॉल टोकन ऑफ लव, सो व्हाट एवर ऑर्डर्स वी गेट, हम लोग उसके साथ एक छोटा सा पर्सनलाइज गिफ्ट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट उन लोग ने जो ऑर्डर किया है उसके अलावा हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट, काइंड ऑफ जस्ट अ स्मॉल जेस्चर। राइट, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव समटाइम्स इज इनफ। परफेक्ट। तो एनीवेज लेट मी इंट्रोड्यूस यू। सो द पर्सन देयर यू नो फ्रॉम हुक्स डॉट नीडल्स, सी इज नीतीश सिंह। एंड अबाउट निधि, इफ आई टेल यू, यू नो सी इज अ डिजाइनर, एट द सेम टाइम सी हैज पिक्ड अप वंडरफुल हॉबीज एंड यू नो हर इंटरेस्ट एंड पैशन, दैट यू नो सी डेवलप्स हर ओन DIY प्रोडक्ट एंड सी डज अ ग्रेट जॉब। सो निधि, इससे पहले कि मैं और ज्यादा आपके बारे में बोलूं, मैं चाहता हूँ वाई नॉट यू प्लीज एलाबोरेट मोर अबाउट योर सेल्फ, लाइक एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर सेल्फ। एंड प्लीज डू नॉट बी हम्बल हेयर, ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ छुपाना मत यार, जितना बोलना है बोलो। ओके, सो हुक्स एंड नीडल्स, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी दीदी ने स्टार्ट किया था। सो उसने क्रोशे, इट वाज लाइक 2013-14, तब दीदी ने हुक्स एंड नीडल्स स्टार्ट किया था विथ ऑल द क्रोशे प्रोडक्ट्स, मतलब सारा क्रोशे का प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट इट वाज देयर। एंड आई यूज टू सपोर्ट हर सम हाउ, लाइक इन हियर एंड देयर, बट नॉट मेजरली। बट वेन दिस लॉकडाउन हैपेंड एंड आई गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू वर्क ऑन दैट, तो ये सो टू द आई एम जस्ट ग्रोइंग माई सिस्टर्स बिजनेस। बेसिकली शी इज डूइंग एंड शी इज सेटअप इन पुणे एंड शी इज मच अप्रिशिएटेड ऑन ऑल द फेसबुक एंड वन ग्रुप इज देयर पुला फॉर पुणे लेडीज। करेक्ट करेक्ट। सो उसपे काफी अप्रिशिएशन होता है ऑन हर प्रोडक्ट्स, ग्रेट सो यार, ग्रेट यार निधि, दैट्स मतलब इट्स इट। वंडरफुल। देखो मतलब कि पता है, ऐसे बहुत लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फैमिली मेंबर को सपोर्ट करे या उनकी फैमिली उनको ऐसे चीजों में सपोर्ट करती है, तो दैट्स अ मुझे वंडरफुल थिंग कभी दैट यू आर कभी फील डूइंग। होता है कि मैंने थोड़े दिन पहले क्यों नहीं सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पहले से सपोर्ट की रहती, क्योंकि इंस्टाग्राम में ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में पहले कम आए थे और मुझे इस चीज का शौक था, मैं देखती थी, लेकिन मैंने कभी कभी ट्राई नहीं किया। मे बी आउट ऑफ लेजीनेस और आउट ऑफ ऑफिस वर्क। कभी मुझे मौका मिला परस्यू करने का तो बेटर लेट देन नेवर, मतलब कहते ना, मतलब कि जब जागो तभी सवेरा, तो वही चीज है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक अच्छी बात है कि आपने हाँ बहुत जल्दी ये चीज रियलाइज कर लिया एंड यू नो यू समहाउ थॉट दैट यू विल स्टार्ट परसुइंग दिस थिंग। तो ये तो थी, चलो आप जो अभी फिलहाल लॉकडाउन में हाँ आपने स्टार्ट किया या फिर आपने जो रियलाइज किया। तो निधि, जैसा कि मैं बता रहा था अपने सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, मेरे और कुछ आपके जो फॉलोअर्स हैं, तो थोड़े बचपन से स्टार्ट करें क्या, लाइक बचपन की बातें। तो मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा और कैसे उस बचपन के जो थॉट्स थे उसको आपने अपने करियर में कन्वर्ट किया एंड देन यू गॉट इनटू ऑल दिस इंटरेस्ट एंड हॉबीज, यू स्टार्टेड सपोर्टिंग योर फैमिली, तो लिटिल बिट अबाउट इट, मजा आ जाएगा फिर। मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मेरे घर में मतलब ऐसे सबको बहुत
प्रेशर है कि सबको ही ऐसे पढ़ाई में बहुत. एंड आई वाज गुड एट स्टडीज, आई वाज नॉट एट लाइक बैड एट स्टडीज. दैट्स एविडेंट, दैट्स एविडेंट. वो तो दिखता है. वो आपके बड़े-बड़े चश्मे को जब मैं पहली बार देखा था ना, मतलब लगा अरे चश्मे वाले लोग से मैं हाथ तो खैर मुझे भी लग गया, लेकिन मैं तो थोड़ा दूर भागता था कि यार ये बहुत पढ़ाकू टाइप के लोग हैं स्कूल से ही, तो आपको देखकर लगता है नो डाउट. अभी किसी का कमेंट आया, देयर इज अ कमेंट, 50% निफ्टियंस नेवर थिंक ऑफ जॉइनिंग निफ्ट, राइट? जॉइनिंग निफ्ट, ट्रू दैट. तो लेकिन मैंने जब निफ्ट ज्वाइन किया था ना, तो मैंने बहुत ही मतलब ऐसे अपने मर्जी से किया था. मैंने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया, मतलब मेरे पेरेंट्स लोग काफी सपोर्टिव थे कि तुमको क्या करना है. एंड देन एवरीबॉडी वाज सिटिंग देयर एंड आस्किंग मी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, सो दे वर आस्किंग मी कि तुमको क्या करना है लाइफ में. एंड आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मतलब मेरे फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि सब कोई मेरे से पूछे थे ऐसा. बहुत किसी पे प्रेशर रहता है एंड बहुत कोई चूज नहीं कर पाता है. तो मैंने जब निफ्ट ज्वाइन किया था तो मैंने अपना पूरा मन लगा के किया था, मतलब बच्चे बहुत फन करते थे. मैंने फिर हुक्स एंड नीडल्स का लोगोस बनाया था, एंड फिर मैंने फिर धीरे धीरे करके कभी कभी कुछ कुछ पोस्ट, लेकिन मैंने बहुत जितना मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उतना मैंने सपोर्ट नहीं किया हुक्स एंड नीडल्स को जितना मैं कर सकती थी. लेकिन नाउ आई एम डूइंग इट, सो वट एवर प्लेटफॉर्म आई कैन टेक दिस टू आई वॉन्ट टू डू इट. दैट्स वंडरफुल दीदी. देखिए जैसे कि सबसे पहली बात जब आपने बताया ना कि आपने हैदराबाद से हैं, तो ये जो आपने बोला कि निफ्ट हैदराबाद में भी आपने वो फन नहीं किया, जो भी है मुझे याद है हम ना, मतलब मैं बैंगलोर की तरफ से हमें कन्वर्ज में जाता था, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर कोई निफ्टियन नहीं है इनमें से जो हमें सुन रहे हैं अभी, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि निफ्ट में क्या होता है ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेट कॉम्पिटिशन, तो हम लोग उसमें कन्वर्ज हो जाते हैं. तो उसमें से एक तरफ आता था निफ्ट हैदराबाद, जो कि सदियों का चैंपियन रह चुका है. मतलब निफ्ट हैदराबाद पे हम एक जोक क्रैक करते थे कि यार इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है क्या काउंसलिंग के टाइम पे कि अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कोटा है, अगर तुम्हारे पास कल्चरल कोटा है, तभी तुमको एडमिशन मिलेगा. मतलब ये एक्चुअली जोक था. बहुत ही छोटा सर्कल होता है हमारा, बहुत छोटा सर्कल होता है, राइट? लेकिन यू नो इट्स लाइक कि इट्स एन एनक्लोज्ड सर्कल एंड अ सेफ सर्कल एंड पीपल आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज द कम्युनिटी व्हिच इज ऑलवेज यू नो इट्स ऑलवेज प्रेज़वर्थी. जैसे कि अभी मैं सबको फिर से बता दूं कि निधि सिंह जो हैं ये लाइफस्टाइल वेब डिजाइनर हैं, और हुक्स डॉट नीडल्स इनकी बहन का एक खुद का एक बिजनेस सेटअप है जिसको ये अभी फिलहाल सपोर्ट कर रही हैं. And she is, you know, when it comes to DIY, she is a brilliant person for that matter, I would say. मतलब इनका पेज को आपको जाकर देखना चाहिए. नहीं सच में, मतलब कि मैं एग्जाम्पल साइट करने वाला हूँ. अभी हमारे ऑफिस में वो क्या होता है, सीक्रेट सेंटर, राइट? सीक्रेट सेंटर, राइट? हाँ. तो ये सीक्रेट सेंटर के टाइम पे, मतलब कि आपने किसी को अगर गिफ्ट किया या फिर अगर किसी ने आपसे अपना गिफ्ट बनवाया है, तो सबको पता होता है कि हाँ ये निधि का काम. मतलब कि वो DIY ना दिखता है आपके काम में, वो खूबसूरती झलकती है, तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है. एंड द रिसेंट पोस्ट दैट यू नो हुक्स डॉट नीडल्स हैज अपडेटेड, लाइक यार दैट लुक्स, इट शोज दैट वो कोई ऐसे छोटा सा बिजनेस सेटअप नहीं हो, बहुत बड़ी कंपनी है. आई एम श्योर एंड डेफिनेटली विल ग्रो, सो ऑल द बेस्ट अबाउट इट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. तो निधि, नेक्स्ट व्हाट आई एम थिंकिंग इज, यू नो ये तो आप हो गया. अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताइए, हाउ यू स्टार्टेड दिस, मतलब व्हाट इज दिस लहजा ऑल अबाउट, लाइक हाउ यू केम अबाउट, मतलब यू, आई नो कि आप शायरी और मतलब किसी के बारे में भी ऐसे स्पॉन्टेनियसली यू डू लाइक कुछ भी लिख देते हो, एंड आई हैव वीडियोस, आई हैव रिकॉर्डेड यू, सो how you come to this idea, मतलब ऐसे कि बचपन में, मतलब कैसे आपका, मतलब childhood, how is connected? यार मेरे साथ क्या है ना कि मैं साहिबगंज, एक छोटा सा शहर है झारखंड में, मतलब कि तब तो पहले बिहार हुआ करता था, तो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस. तो वहाँ पे एक स्कूल है सेंट जेवियर्स, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ. एंड सेंट जेवियर्स साहिबगंज जो साहिबगंज जो है वो उस पूरे क्षेत्र का, मतलब की समझ लीजिए झारखंड के टॉप 10 स्कूल्स में आता है, लाइक डेफिनेटली जमशेदपुर बोकारो है, उसमें से एक साहिबगंज है. तो मेरे स्कूलिंग वाज वन ऑफ द रीजन कि स्कूल में क्लास 6-7 तक तो आई वाज टू बी वन ऑफ दोस डम गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से इच्छा होती थी कि हाँ मैं भी इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करूँ. ऐसे स्टेज इवेंट होता था, तो कभी एक बार एक ऐसे ही मौका मिला मुझे एलोक्यूशन में, ओपन माइक में, तो मैंने वहां पे 2 मिनट के लिए कुछ परफॉर्म किया, एंड उसके बाद वो मेरा डर खत्म हो गया. तो अंदर से तो चीजें भरी पड़ी थी,
कि हाँ मुझे निकालना है, लिखना है, बोलना है, लेकिन वो एक बार का वो डर था, वो जैसे ही एक बार स्कूल में खत्म हुआ, वो भी मतलब कि अचंभा सा ही एक ऐसा इवेंट था कि किसी दोस्त ने मजाक में हाथ उठा दिया और फिर मैं एकाएक से स्टेज पे चला गया, मतलब कि अपना मजाक ना बनवाने के लिए, कि किसी ने आपका हाथ उठा दिया और आप नीचे कर लो तो बाकी लोग और आपका मजाक उड़ाएंगे कि डर गया, डरपोक है हाँ ये है। तो एक वो ब्रेक था मेरे लिए लाइफ में, जो मैं स्टेज पे गया एंड देन आई स्टार्टेड एंड आई नेवर यू नो आई डिडंट फॉल अपार्ट आफ्टर दैट, आई गिव इट, आई डिडंट फॉल आउट फ्रॉम दैट इवेंट एंड आई नेवर थॉट ऑफ लुकिंग बैक, फिर हमेशा से आगे बढ़ा। एंड मैं उसके बाद मेरे अंदर ना एक साहित्य के प्रति झुकाव थी, मतलब कि आई स्टार्टेड लविंग लिटरेचर, बीट हिंदी बीट इंग्लिश, तो कुछ भी होता था तो मतलब कि मैं बहुत शौक से पढ़ता था। जैसे स्कूल में, हर एक स्कूल में होता है ना आपका, एक पोएट्री होता है, एक प्रोज होता है, मतलब हाँ कहानियां क्लब होती होता हैं, है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, और एक नॉवेल होता है। तो हम आईसीएसई स्कूल वाले थे तो हमारे पास जूलियस सीजर था, वो बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री थे। फिर हिंदी में एक था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ये सब जो थी तो बहुत मतलब वो मन को छू जाती थी उस जमाने में कि यार क्या लिखते हैं लेखक लोग ऐसे, तो एक वो झुकाव रहा। फिर थिएटर्स वगैरह करने लगे और धीरे धीरे फिर जब कॉलेज में आए, कॉलेज में अब जैसे आपने बताया ना कि आप निफ्ट में आने के पहले आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, तो आई थिंक 90% ऑफ द निफ्ट आई डिफर हेयर फ्रॉम अरुमित, जिसने कमेंट किया था कि यार 50% या 90% लोगों का कहानी है कि निफ्ट में कोई आना नहीं चाहता है पहले, मतलब लोगों को पता नहीं होता है, इट्स नॉट कि हाँ लोग आना नहीं चाहते, लोगों को पता नहीं है। आज भी लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और कहीं से पता चलता है, फिर देन दे गेट इनटू निफ्ट एंड दे यू नो हाँ हैप्पीली सेटल हेयर। तो वही मेरे साथ हुआ, जब निफ्ट में आया तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मुझे भी मिले ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड देन फिर वो आदत बन गई लिखने का बोलने का। हम लोग यहाँ कॉलेज में बहुत सारा मतलब यू नो हिंदी दिवस में मतलब कि हिंदी दिवस में पार्टिसिपेट करते थे, स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करते थे, कन्वर्ज में पार्टिसिपेट करते थे, और फिर साल एकाएक से नौकरी लग गया, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, तो एकाएक से फिर नौकरी लग गया, जॉब लगा। अब जॉब लगने के बाद वो खालीपन खाने लगा लाइफ में, मतलब एक नहीं होता है कि आपके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है और फिर दिखता है एकाएक से खत्म हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए, अलग अलग जगह पे लोगों का इंटरव्यू हाँ मैंने लेना, आपका थिएटर YouTube करना। पे वीडियोस भी देखा है। व्हेन यू गो टू द बार एंड यू क्वेश्चन सम रैंडम थिंग्स टू राइट 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 पीपल। हाँ वो था, राइट राइट एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मेरे साथ मैं था, मेरा एक फ्रेंड सौरभ है एंड रिमझिम है, जिनके साथ मैं कल लाइव आया था, तो हम तीनों ने मिलके वो हाँ स्टार्ट किया था और भी काफी लोग थे। तो हम लोग वही करते थे कि उस टाइम पे नॉर्मल सोशल इश्यूज पे डिस्कस करते थे, उनके साथ में मिलकर बहुत सारे शोज वगैरह में जाता था, प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साथ में किए। फिर अभी लॉकडाउन के दौरान फिर से मैंने वापस से कुछ अच्छी कविताएं लिखी, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप जो कविताएं लिखते हो, आपका एक ऑलरेडी पेज है जिसका नाम पहले एक लेखक था, तो लोगों ने बोला कि क्यों नहीं अच्छा इसको एक बेहतरीन नाम देकर और इस पेज को आगे लेकर जाने का सोचते हो आप। तो फिर मैंने सोचा कि लहजा नाम रखते हैं, और जो लहजा शब्द होता है, लहजा का मतलब होता है किसी इंसान के बात करने का तरीका। तो अरुमित हमारे साथ लाइव है, इन्होंने बहुत अच्छा उस दिन एक बात कहा था लहजा में, कि जो लहजा होता है इंसान का वो पहचान बन जाता है। लाइक हम कहते हैं कि अरे ये निधि के बात करने का लहजा है, मतलब कि जब अच्छा लोग, हाँ तो निधि का पहचान बन जाता है, ये प्रशांत के बात करने का एक तरीका है। तो लहजा इज नथिंग बट इंसान के बात करने का तरीका या अपने आपको प्रेजेंट करना। तो ये एक नाम हमने सोचा लहजा, और फिर लहजा के नाम से फिर हम आगे बढ़े। और पहले तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत सारी अपनी छोटी छोटी कविताएं, 4 लाइन 5 लाइन शायरियां लिखता था, फिर मैंने अपने सारे बड़े बड़े जो भी कविताएं मैंने लिखी थी वो पोस्ट किया, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर मैंने नोटिस किया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लाइव आने के लिए और अपने अलग अलग इवेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। और क्या होता है ना कि मेरे पास आज फॉलोअर्स कम है, आपके पास फॉलोअर्स कम है, 500 200 400 जो भी है, लेकिन ये 500 200 मायने नहीं रखते हैं, फॉलोअर्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ये लोगों तक जा रहा है, तो दिस इज वेरी जा रहा इम्पोर्टेंट है। हाँ एंड हाँ एग्जैक्टली। और ये अच्छी बात है कि जैसे अभी भी भले हमारे लाइव सेशन में एक बार में 6 7 लोग रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं जब क्लोज करता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ 100 लोग 120 लोग हमें देखा, और जब हम दोबारा इस चीज को पोस्ट करते हैं, जब हम पोस्ट करते हैं तो लोग आकर उसको व्यू हाँ तो करते हैं, फिर लोग और दूसरे भी के ज्यादा फैन, देखते हाँ हैं। हाँ और भी हाँ ज्यादा, और अच्छी बात है ये कि मतलब कि एक दूसरे को ऐसे यू नो प्रमोट करते रहना, तो दिस इज समथिंग विच इज वंडरफुल दैट।
एक्चुअली और ये कम्युनिटी ऐसा है कि आप एक दूसरे को प्रमोट करोगे तो ही मतलब इंटरेक्शन इज वेरी नेसेसरी इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप अप्रिशिएट करो कि सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा है एंड वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट कर. नहीं, इफ यू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे सर मेनी मेनी जो इंस्टाग्रामर्स है दे हैव स्टार्टेड पेन पेल, आई थिंक. मतलब बेसिकली यू डोंट नो दैट पर्सन बट यू राइट टू दैट पर्सन, सो यू कनेक्ट ऑन दैट बेसिस, नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम बट ऑन गिविंग अ ओल्ड फैशन, क्या कहेंगे, ओल्ड फैशन जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं जैसे, हाँ टच बेसिकली. तो इट कैन बी शेयरिंग योर आर्टवर्क्स और राइटिंग अ हैंड रिटन नोट्स, तो ये सब भी है जो कि कम्युनिटी बिल्ड करती है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट. सो वैसे ही आई थिंक अमृत इज सेइंग समथिंग. अरुमित, या द लिंक ऑफ हर वर्क इज hooks.needles, जिससे ये लाइव आई है, तो आप वो जाकर पेज देख सकते हैं. सो इट्स अ बिजनेस वेयर यू नो हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर, यू नो फ्रॉम देयर यू कैन ऑर्डर ऑल द हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड those are like really cute products, wonderful products for gifting purposes, like anything. You can get your product customized as well as per your order. Sir, kisne likha hai chitti, Moksh Srivastava. Hi Moksha. So chittiyon ke bare mein kuch din pehle maine chota sa ek aisi ek line likha tha, mujhe bhi yaad nahi hai exactly kya tha, matlab wo tha ki ab chittiyan likhu bhi to kiske liye, dar lagta hai kahin kisi ke daraz mein pada na rahe. मतलब कि क्या होता है ना कि एक्चुअली वो एक जमाना होता था यार, हम तो मतलब कि मुझे याद है स्कूल में ना, स्कूल में भी तो बदमाशियां तो करते ही थे, तो जब वो नया नया जो प्यार होता है ना स्कूल वाला, सेवेंथ एट नाइन टेंथ वाला, तो उस टाइम पे हम अपने मतलब जिन लड़कियों को प्रपोज करना होता तो अपने किसी फ्रेंड से या उस लड़की के किसी फ्रेंड को प्रॉपरली एक लेटर लिखकर भेजते थे. आज तक उससे कभी बात नहीं हुआ होगा लेकिन हम लेटर लिखकर भेज दिए और वो लेटर में ही रिप्लाई कर दी, यस नो जो कहना है ने रिप्लाई कर दिया. अच्छा. एंड उसके बाद दोबारा भी अगले एक दो हफ्ते तक कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन मन में हो गया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और कोई लड़का या कोई लड़की इधर उधर नहीं छेड़ने वाला. तो ये चिट्ठियों का मतलब वो एक चिट्ठियों का सिलसिला होता था यार, अब कहाँ. अब मुझे नहीं लगता है कि आज के स्कूल के बच्चे वैसे, अब तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ है. मतलब वो एक जो अच्छा, एक, होता एक, था एक ना. वीडियो भी आया था जिसमें चिट्ठी पास होती थी फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर एंड देन देयर इज आफ्टर व्हिच इज टुडेज एंड देन दे आर आस्किंग ईच अदर ऑन टेक्स्ट. सो दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट कि हम लोग पासिंग द पास करते हैं यहाँ से चिट्ठी. वो होता है, वो चिट्ठियों का जो दौर था ना अब वो नहीं रहा. और बहुत अच्छा लगता है ये जो आप टच बोली ना, जो मैंने इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ही अपने आज लाइव शो से ऐसे किया, जो आपका वो पोस्ट था जिसमें आपने अपने ऑर्डर को डिलीवर किया है hooks.needles के थ्रू, और उसमें वो चिट्ठी है जिसमें लिखा हुआ है यू नो थैंक यू नोट लिखा हुआ है. मतलब ये मायने रखता है, लोगों को छू जाता है. वो दोबारा कभी भी अगर वो इंसान किसी को रिकमेंड करेगा तो उस चीज का जिक्र जरूर करेगा कि हाँ मुझे एक थैंक यू नोट भी आया था. तो And since you know this entire session that we have been talking, जो हमने थीम रखा था वो था कर्मा. तो ये कर्म पे आप कुछ, आपका कोई अपना थ्योरी है कर्मा पे जो आप कुछ कहना चाहेंगे निधि, तो आपको समझ में आता है एनीथिंग, जैसे कि मैं बताऊं. हाँ आप बताइए. हाँ तो जैसे कि क्या होता है ना कि कर्मा में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जो हम कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है, यही मिलता है या कहीं और जाकर मिलता है. पता नहीं, मैं उस थ्योरी में तो उतना नहीं घुस सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए लाइफ में, लेकिन शायद उनको वो रिटर्न में नहीं मिल पाया उस तरीके से. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत बुरे काम किए लेकिन दे आर हैप्पी, लाइक यू नो मतलब कि इतने खुश हैं, उनके परिवारजन खुश हैं, सब खुश हैं, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं. तो मैं उस थ्योरी पे कहीं आज भी मतलब उतना ढंग से बिलीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक चीज मैं फिर भी मानता हूँ कि जो कहते हैं ना कि इंसान के लाइफ में दो चीज निश्चित है, वो होता है जीवन और मरण, और उसके बीच में जो चीज होता है ना वो होता है आप और आपका चयन. तो जो आपका चयन होता है वो आपका कर्म होता है, और वो जो कर्म होता है ना वो स्थापित करता है आपको, दैट हेल्प्स यू टू सेटल. ठीक है, तो ये जो कर्म होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है और इससे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे हमें वापस में जो भी फल मिले, लेकिन अपने तरफ से अपना कर्म हमेशा अच्छे से अच्छा करना चाहिए.
और ये मैं फिर से सबको बताना चाहूंगा कि आपने भले ही देर से शुरुआत की, देर से सोचा कि हाँ जो आपका इंटरेस्ट था या जो आपकी हॉबीज थी या जो आपकी सिस्टर की जो बिजनेस सेटअप है उसमें आपने बाद में अपना इनपुट देना स्टार्ट किया, तो इट्स वंडरफुल। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे जो भी चीजें होती हैं, ऐसे जो कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसी को भी नहीं पता। ये एक छोटा सा लाइफ इवेंट है, ये एक छोटा सा चीज है, लाइफ इवेंट है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी, आप करती होंगी, जो आपने रियलाइज नहीं किया। सो इट्स अ ह्यूज शाउट आउट फॉर यू निधि, वंडरफुल थिंग, जस्ट कीप इट अप। And since we have the time constraints, we will be having someone next coming up. But अगर इसके पहले अगर आपके मन में कुछ specific बातें हैं, please आप discuss कीजिए, हमारे पास 3 minutes हाँ, I just want to tell everyone that whatever you do, do with great honesty. मतलब उसके पीछे आप अपना पूरा hard work करो, because hard work always pays. So. थैंक यू सो मच निधि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड वंस अगेन एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड ब्राउज books.needle, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वंडरफुल वंडरफुल हैंडमेड प्रोडक्ट दैट शी हैज। जैसा कि कुछ देर पहले हम सब ने कहा था, सबका साथ सबका विकास, और क्या बोलते हैं वो, शाउट आउट फॉर द लोकल, तो इज वन एग्जाम्पल, गो हेड एंड ब्राउज हेड and her personal handle too, Nidhi, and thank you so much for joining, Nidhi, thank you so much, you know, it was wonderful having you, thank you.